नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर लेखपाल संघ के आह्वान तहसील क्षेत्र के बूढ़नपुर के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश यादव के नेतृत्व में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद 108 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद को सौंपा गया। आपको बता दें कि लेखपाल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लेखपाल संवर्ग के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा 2 पत्र निर्गत करने के बावजूद संवर्ग की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ है, जिससे पूरा संवर्ग आक्रोशित एवं असंतुष्ट है। संवर्ग द्वारा पुनः 8 सूत्रीय मांग रखी गई है। जनपद आजमगढ़ में आय जात निवास प्रमाण पत्र का 5 रुपया प्रति प्रमाण पत्र का भुगतान, महंगाई भत्ता का 11% वृद्धि एवं एरियर का भुगतान, क्रॉप कटिंग मानदेय का भुगतान, 7वें वेतन आयोग की 2री किस्त का भुगतान सहित अन्य मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर सूर्यभान, कमलेश, अनुराधा, कुनर राम, आशीष, सुरेश त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश यादव ने, आप सुनिए। यादव अध्यक्ष लेखपाल संघ तहसील रूप का था बूढ़नपुर, अपने जिला संगठन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज मजबूरी बस मुझे धरना व प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसमें हमारे भाई मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र बहादुर हैं, संचालक हमारे सुरेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, तथा हमारे सभी भाई जो आज इस दरी क्या ये प्लास्टिक की चटाई है जिस पर हम बैठ करके आज अपने बड़े अधिकारी का आगमन था कि हमारे बड़े अधिकारी आएंगे, बड़का जो है समाधान दिवस चलेगा, उसमें मेरी बात जरूर सुनी जाएगी। लेकिन उसमें परिषद का आदेश है 2018 से आय जात निवास निकालने पर 5 रुपये परिषद से आदेश दिया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 7वां वेतन आयोग की व्यवस्था नहीं कराई गई, हमारी 11% महंगाई जो आज लंबित पड़ी है वह नहीं दी गई। आबादी स्वामित्व का जो सर्वेक्षण कराया जाता है, हमको सर्वे ऑफ इंडिया तक दौड़ाया जाता है, उसका कोई TADA भुगतान नहीं होता है। इन सब परिस्थितियों को लेकर के हमसे क्रॉप कटिंग कराई जाती है, उसका कोई भुगतान नहीं कराया जाता है। जो पैसा हमारा खजाने में पड़ा है जिसके लिए कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम 3 वर्षों से इंतजार करते करते थक गए। चिट्ठियां देते देते, पत्र देते देते, आज यह दिन आ गया, मजबूर होकर के हम लोगों को अपनी मांगों के लेकर के इस धरने पर बैठना पड़ा। यही वजह है कि आज हम लेखपाल संघ 8 सूत्री मांग लेकर के धरने पर बैठे हैं, और इसी को लेकर के हमारे भाई हताश हैं, परेशान हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप पत्रकार भाई हैं, निश्चित रूप से मीडिया वाले हमारी बात पहुंचाने का काम करेंगे, शासन प्रशासन के यहाँ भेजेंगे, तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि हो सकता है हमारी ये मांगे जल्द से पूरी हो जाएं। ये कोई मांग नहीं है, हमारा काम है और उसका रुका हुआ पावना हमें प्राप्त करना है। जय हिंद, जय लेखपाल। दोबारा बता दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जनपद आजमगढ़ की बूढ़नपुर तहसील में लेखपाल संघ की जो बैठक हुई है, वो हमारे जिला कार्यकारी के निर्देश के फलस्वरूप हमारी 8 सूत्री मांग है, जिसमें हमारा शासन स्तर से निर्णीत मांगे हो चुकी हैं। केवल हमारे जनपद स्तर से जो विभिन्न टेबल हैं उन पर हमारी पत्रावलियाँ लंबित हैं। हमें जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र हम अपने संसाधन से अपना नेट पैक डाल करके दिन रात एक करके हम उसको भेजते हैं टाइमली। शासन ने 5 रुपये प्रति सर्टिफिकेट हमें मानदेय देने के लिए मांग हमारी माना,
और आज 2.5-3 साल से हम लोगों का पावना केवल भिन्न भिन्न पटलों पर लापरवाही बस पड़ी हुई है। जब हम अपनी मांग मांगते मांगते थक गए तो आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में आयोजित तहसील दिवस में हमने अपनी मांग यहाँ उठाई। हमारे मुखिया हैं, वहाँ तक पहुँचेगी मांग, तो हमको उम्मीद है कि अवश्य ही हमारी मांग पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे कितने साथी KCP के, हमारा एरिया 1.5-2 लाख है, कितने लेखपाल भाई रिटायर हो गए, मर चुके हैं, उनका पावना यहाँ तहसील में पड़ा हुआ है। हम अपनी मांग को आज धरने के माध्यम से उम्मीद व्यक्त करते हैं तो भी हमारी मांग पूरी हो जाएगी। जितने भी पावने हैं वो केवल हमारे काम क्या, हमको कोई नई बात नहीं है, ये हमें मिलना चाहिए और शासन से ये मिल चुका है, लेकिन भिन्न भिन्न टेबल पर जो है आक्रमणता के कारण ये हमारी मांग लटकी हुई है और बेबस होकर के हम लोगों को आज इस अपने लेखपाल संघ के धरने के नीचे प्रदर्शन करना पड़ रहा है।